हेलो एवरीवन, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बेसिक इंटीग्रेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो प्रश्न फॉर्मूले के आधार पे होते थे, यानी कि जिस प्रश्न को हम डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो हमारा प्रश्न है दिया हुआ वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ इसका थ्योरी पार्ट्स को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, फंक्शन एफ एक्स टी एक्स दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें सबसे पहले अगर हम एक्स को फाइ टी से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि एक या एक्स बराबर हम फाइ टी मान लिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाइ टी एंड फाइ डैश टी डीटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम एक्स के रूप में फाइ टी मानते हैं तो एक अलग से हमारे पास फंक्शन बन जाता है फाइ डैश टी। अगर ये इस रूप में आ जाता है तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अपना सकते हैं, यानी कि इस विधि को हम अपना सकते हैं, इसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बात होता है कि इस क्वेश्चन को पहचानना कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, जैसा कि हमने यहां पे लिख रखा है, लुक एट फाइंड हैज एनी फंक्शन ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन विच डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू सम अनदर फंक्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखिए और समझिए क्या उसमें कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आएगा, यानी कि जो डेरिवेटिव वैल्यू आएगा वो किसी और फंक्शन के बराबर है। यदि है तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रूल को अपना सकते हैं, कांस्टेंट नॉट कंसीडर, ठीक है ना। कांस्टेंट अगर आता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल के रूप में कि हमने एक ले रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स को यहां टी मान लें, यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं टी के रूप में, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, टू एक्स इंटू डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू टी का डिफ्रेंसिएशन वन, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स मिल रहा है, तो हमारा उसी प्रश्न में ये फंक्शन दिया हुआ है, टू से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में हम प्रतिस्थापन विधि को अपना सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अपना सकते हैं, क्योंकि हमने एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो कोई और फंक्शन वो मिला जो हमारा इसी प्रश्न में दिया हुआ है, टू एक्स इंटू डी एक्स डी टी को आर एच एस की तरफ कर लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम इसके जगह पे यानी कि टू एक्स डी एक्स के जगह पे, यानी कि एक्स डी एक्स के जगह पे हम डी टी को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई टू, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन टी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को टी माना है
ठीक है ना, डी टी बाई टू एक्स डी एक्स इजकल टू एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी बाई टू, राइट। आगे क्या करना है, तो वन बाई टू को हम बाहर निकाल लेंगे, हमारा क्या बचेगा साइन टी इंटू डी टी, ठीक है ना। वन बाई टू साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस वन बाई टू कॉस टी की जगह हमने क्या रखना है, जो हमने प्रतिस्थापित किया था, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वही वापस से यहां पे हमने टी की जगह रख लेना है, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मिले तो उसमें यह ध्यान रखना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो जो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आएगा यानी कि डेरिवेटिव वैल्यू आएगा वो किसी और फंक्शन के बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन को, कुछ बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने लेवल को, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले हम बेसिक प्रश्न ही करेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न हम ले रखे हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न हमने ले रखा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स वाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स वाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसमें अब ध्यान देना है कि किसको हम प्रतिस्थापित करें यानी कि सब्स्टिट्यूट करें तो हमें वो वैल्यू मिल जाए जो इसी प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहां पे हम log x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट log x इक्वल टू t, ठीक है। तो अगर हम log x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमें क्या मिलेगा, वन वाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन मिलेगा। तो हमारा वन वाई एक्स मिल चुका है जो कि इसी प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना, वन वाई एक्स। तो वन वाई एक्स इंटू डी एक्स इसकल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो वन वाई एक्स डी एक्स को हम डी टी के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए वन वाई एक्स यानी कि लॉग एक्स के जगह हम टी मान चुके हैं और वन वाई एक्स जो था उसे हम डी टी के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और जो हमने टी के जगह माना था जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस से इसमें हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये हमारा प्रश्न बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन हमारा दे रखा है e टू द पावर tan इनवर्स x y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि किसको हम t माने, किसको t मानेंगे, या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं, y x z, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम tan इनवर्स x को अगर t मानते हैं और उसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इसी प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम tan इनवर्स x को मान सकते हैं, लिखेंगे यहां लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, ठीक है। तो tan इनवर्स x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू 1। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1 वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी 1 वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम डी टी के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, e टू दी पावर tan इनवर्स x को हमने क्या मान रखा है, t, ठीक है, 1 वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमें क्या किस चीज से प्रतिस्थापित करना है, dt से, dt। तो हमें अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x, तो एज इट इज रह जाएगा, राइट, e टू दी पावर t प्लस c। और जो हमने t की जगह मान रखा है tan इनवर्स x, वापस से इसको हम पुट कर लेंगे वैल्यू को, tan इनवर्स x प्लस c, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। प्रश्न दे रखा है साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें किसको प्रतिस्थापित करना है, किसको हम टी मान सकते हैं, इसमें ध्यान देना है। तो हम इसमें रूट एक्स को टी मान रहे हैं, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो हम रूट एक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टू मल्टीप्लाई में चला आएगा और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई टू इक्वल टू सॉरी इंटू डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो 1 बाई टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई टू, चलो 2 को इधर ही ले आते हैं, डी एक्स इक्वल टू डी टी इंटू टू, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाई रूट टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस प्रश्न का एक ऐसा फंक्शन मिल चुका है जिसे हम टू डी टी के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सॉरी, ये प्लस की वजह से ढंग से दिख नहीं रहा, हम प्लस को ऑफ ही कर लेते हैं। ठीक है, अब तो लाइट ही नहीं आ रहा यार, चलो ऑन ही रखते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। तो वन वाई रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम प्रतिस्थापित करेंगे टू डी टी से, ठीक है। साइन टी हो जाएगा क्योंकि रूट एक्स को हमने टी माना है। वन वाई रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, टू डी टी। टू डी टी, टू को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलो टू इंटू माइनस कॉस टी प्लस सी, ये हो जाएगा, यानी कि माइनस टू कॉस टी की जगह पे रूट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहां पे साइन एक्स को टी मान रहे हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिलेगा जो कि इसी प्रश्न में दिया हुआ है। कॉस एक्स इंटू डी एक्स वाई डी टी इजकल टू वन, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू क्या मिलेगा हमें, डी टी, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे वापस से, रूट साइन एक्स जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी इंटू डी टी कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हम टी को इस तरीके से लिख सकते हैं, टू टी टू द पावर हाफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस सी, यानी कि टी को हमने क्या माना था, साइन एक्स टू द पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस सी, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू साइन एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्या है प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखते हैं इस प्रश्न को, क्वेश्चन दे रखा है कॉस क्यू एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो हम यहां पे कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, सिंपली लेट कॉस एक्स इजकल टू टी। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इजकल टू वन। चलो माइनस को आर एच एक्स की तरफ ले जाते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी। तो हमारा साइन एक्स डी एक्स हमारा अब प्रतिस्थापित हो जाएगा माइनस डी टी के द्वारा। तो यहां पे हम लिखेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को हमने क्या माना है टी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा टी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू माइनस डी टी, ठीक है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आएगा टी टू दी पावर फोर, यानी कि टी का पावर फोर हो जाएगा बाई टू, ये माइनस भी आएगा प्लस सी इज इक्वल टू टी की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस, माइनस भी आएगा एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर प्लस सी, ये तो सिंपल था। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस थ्री एक्स वाई थ्री माइनस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, देखते हैं क्या दे रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस थ्री एक्स वाई थ्री माइनस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो चलो 3 माइनस टू एक्स को हम t मान लेते हैं, लेट 3 माइनस टू एक्स इक्वल टू टी। एक मिनट, सबसे पहले इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए ताकि x का वैल्यू रखने में आसानी हो। थ्री माइनस टू एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस टी इक्वल टू टू एक्स। आगे एक्स इक्वल टू क्या होगा थ्री माइनस टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस टू, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वन, माइनस टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो अब हम इसके द्वारा यानी कि डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस डी टी बाई टू लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो टू प्लस थ्री एक्स के जगह हमें क्या लिखना है, क्या माने हम थ्री माइनस टी बाई टू, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये थ्री माइनस टी बाई टू से, और बटा में क्या आ जाएगा थ्री माइनस टू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा टी जो हम मान रखे हैं, और डीएक्स को डीएक्स का वैल्यू क्या है माइनस डी टी बाई टू, तो ये डी टी यहां रह जाएगा और माइनस वन बाई टू जो कि कॉन्स्टेंट है उसे हम बाहर लिख लेंगे। तो हम आगे के प्रोसेस को अब करेंगे, ये हो जाएगा टू प्लस तीन ती नौ माइनस थ्री टी बाई टू बाई टी इंटू डी टी। चलिए अब हमें आगे क्या करना है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा फोर प्लस नाइन माइनस थ्री टी, ठीक है ना, वाई टी इंटू डी टी, वन बाई टू फिर से कांस्टेंट आएगा उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर, बाकी यहां पे बच जाएगा तेरह माइनस थ्री टी बाई टी इंटू डी टी, ठीक है ना। आगे क्या मिलने वाला है हमें माइनस वन बाई फोर, ये कुछ इस तरीके हो जाएगा तेरह बाई टी माइनस थ्री टी बाई टी, तेरह बाई टी का क्या होगा तेरह तो वापस कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा इंटू तेरह ब्रैकेट, वन बाई टी का क्या होगा लॉग टी, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है माइनस थ्री टी बाई टी क्या हो जाएगा थ्री, तो थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा थ्री टी प्लस सी, यानी कि ये हमारा आ जाएगा माइनस थर्टीन बाई फोर लॉग
मॉड टी को हमने क्या माना था, टी की जगह हमने क्या माना था, थ्री माइनस टू एक्स, थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स टू द पावर सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं और बाकी जो आठवां प्रश्न है उसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये कुछ इसी तरीके का है, इसी से रिलेटेड है सातवां प्रश्न से ही, ठीक है ना। तो चलिए हम सातवां प्रश्न को करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है इंटू डीएक्स भी है। तो हम यहां पे अब माने क्या, कोई ऐसा फंक्शन को टी मानना है जिसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वापस से कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो इसी प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए एक्स टू दी पावर सिक्स है, अगर हम यहां से एक्स टू दी पावर इसको कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस एक्स टू दी पावर एक्स का क्यू कर लेते हैं और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स टू दी पावर सिक्स ही रह जाएगा ये इंटू डी एक्स। तो यहां से हम एक्स टू दी पावर एक्स का क्यू जो है उसे हम टी मान लेते हैं, ठीक है। इतना तो मॉडिफिकेशन आपको करना होगा तभी आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेट एक्स टू दी पावर क्यू इक्वल टू टी। अब हम इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू टी। तो आप देख सकते हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ है वो हमें वापस मिल चुका है। तो यहां पे लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू टी टी, जो कि हम डी टी के द्वारा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा डी टी वाई वन प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं वन वाई वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। और चूंकि आप वन वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, यानी कि टी प्लस सी हो जाएगा टेन इनवर्स टी की जगह क्या लिखेंगे किससे हमने इसे प्रतिस्थापित किया था, यानी कि क्या माना था हमने टी इक्वल टू एक्स क्यू, तो हमें टी की जगह एक्स क्यू लिखेंगे प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप आठवां क्वेश्चन आप करेंगे, अगर नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आठवां प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसके आगे के प्रश्न को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।